अमेरिका में उल्लू के सहार का अभियान शुरू किया जा रहा है। सरकार ने फैसला लिया है कि करीब 4.5 लाख से ज्यादा उल्लू को गोली मार दी जाएगी। हैरानी की बात यह है कि अभियान उल्लू की प्रजाति को बचाने के लिए किया जा रहा है। उल्लू को मारकर उल्लू की प्रजाति कैसे बचेगी, अब आप इस रिपोर्ट में। उल्लू का दुश्मन उल्लू, उल्लू का शिकारी भी उल्लू, उल्लू ही उल्लू को खत्म करने के कसूरवार। अब सवाल है कि ऐसी हालत में क्या करे सरकार। अमेरिका ने फैसला ले लिया है। अमेरिका में शिकारियों की भर्ती हो रही है, निशानेबाजों की फौज तैयार हो रही है, जंगल में उल्लू के ठिकाने तलाशे जा रहे हैं। 5 लाख उल्लू को मारने का ऑर्डर जारी हो गया है। सुनकर अजीब लगता है कि उल्लू को ही उल्लू से बचाने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो इसकी वजह सिर्फ प्रजाति है। अमेरिका में उल्लू की 2 प्रजातियां हैं। पहले का नाम स्पॉटेड है तो दूसरे को वार्ड प्रजाति का माना जाता है। अब अमेरिका से स्पॉटेड उल्लू की प्रजाति खत्म होने लगी है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है 5 लाख वार्ड उल्लू प्रजाति को मारा जाएगा। जंगल में उल्लू को दफनाने का इंतजाम होगा। वार्ड प्रजाति के उल्लू देखते ही मार दिए जाएंगे। ऐसा करने के पीछे तर्क ये है कि वार्ड उल्लू ताकतवर होते हैं, स्पॉटेड उल्लू उनके मुकाबले छोटे और कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से वार्ड उल्लू जब स्पॉटेड उल्लू पर हमला करते हैं तो स्पॉटेड उल्लू की मौत हो जाती है। जिन जगहों पर उल्लू के रहने लायक वातावरण है वहां से भी स्पॉटेड उल्लू दूसरी प्रजाति के डर से भाग जाते हैं। कई वर्षों तक उल्लू की इस 2 प्रजाति की लड़ाई की वजह से ही स्पॉटेड उल्लू अब बेहद कम बच पाए। अमेरिका में सरकार अब स्पॉटेड उल्लू और वार्ड उल्लू की प्रजाति को बराबर करने में जुटी है। यही वजह है कि बैलेंस बनाने के लिए बंदूक की मदद ली जाए। हालांकि कई संस्थाएं इस फैसले का विरोध कर रही हैं। एक प्रजाति को बचाने के लिए दूसरी प्रजाति को कम करने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।